क्या ही कहना इस खिलाड़ी के बारे में। बहुत लोगों के उन्होंने दिल जीत ले। दिनेश कार्तिक एक ऐसे बल्लेबाज है, ऐसे क्रिकेटर है जो कि पहले ही वर्ल्ड कप से थे। जब 2007 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी T20, तो वो उस टीम का हिस्सा थे जब पहली बार खेला गया था, और अब भी वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। ये दिनेश कार्तिक का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं। रुको, एक बात तो बोलना भूल ही गया। तो दोस्तों, मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगेश मंदे। तो मेरे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले दिखाई दे। तो चले बाकी एक बात करते हैं। दिनेश कार्तिक बहुत भावुक हुए जब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये ड्रीम सच हो जाए, मतलब कि सपने सच होते। उन्होंने वैसा लिख दिया, उनका सपना था कि टीम इंडिया के लिए वो T20 वर्ल्ड कप खेले और वो टीम इंडिया को जिता दे। दोस्तों, किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी खिलाड़ियों को यही लगता है कि वो अपने टीम के लिए वर्ल्ड कप में खेले, और उसमें दिनेश कार्तिक का नाम आ गया। एक ही ऐसा बल्लेबाज है जिसने लाइफ में हर वक्त स्ट्रगल किया और आप कभी हार नहीं मानी, अपने आप को बैक किया, अपने बल्लेबाजी को सुधारा और हर वक्त अपने आप को प्रूव किया और टीम इंडिया में जगह बनाई। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ऐसे दो ही बल्लेबाज है जो कि 2007 के बाद ये 2022 का वर्ल्ड कप खेलने वाले, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। लेकिन 11 में इस जगह मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आगे एशिया कप में तो उन्हें एक ही मैच खिलाया गया था, एक दो मैच, और उन्हें ज़्यादातर बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ही वो टीम के साथ खिला ही गए थे। लेकिन आने वाले में देखना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जगह मिलती है या नहीं, या फिर नए बल्लेबाजों को जगह देते हैं। मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज आपके गहरा में खेलना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मिडल ऑर्डर में, जो कि कभी भी मैच को पलट दे, जिम्मेदारी से बैटिंग करे, ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दिनेश कार्तिक को जब ये पूछा गया कि वर्ल्ड कप के बारे में आपका क्या राय है, आपका सिलेक्शन तो वर्ल्ड कप में हो गया है तो आपकी क्या फीलिंग है, तो दिनेश कार्तिक बहुत भावुक हुए। उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया। उनका सपना था कि 2022 का वर्ल्ड कप खेलूँ, टीम इंडिया के लिए खेलूँ, वो मेरा वर्ल्ड कप का सपना पूरा हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे किसी खुशी की बात नहीं है, तो मैं ये वर्ल्ड कप खेलूँगा और टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। मुझे दोस्तों लगता है कि ये वर्ल्ड कप पूरी तरह से इंडिया ही जीतेगा और इंडिया की टीम इस बार बहुत ज़बरदस्त है। दिनेश कार्तिक के एक ऐसे बल्लेबाज है, वो कभी भी मैच जिता सकते हैं और मैच का पगड़ा बदल सकते हैं। धोनी के बाद जिस पे भरोसा कर सकते हैं वो दिनेश कार्तिक है, लेकिन उन्हें ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता और उन्हें ज़्यादातर नीचे बैठाया जाता है। दिनेश कार्तिक एक ऐसा बल्लेबाज है जो उसके बारे में अभी बात ही करना बहुत गलत है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपके लिए एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुशहाल रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।